Now coming to word competition. When Darwin spoke of the struggle for existence and survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. It is generally believed that competition occurs when closely related species competed for the same resources that are limiting, but that is not entirely truly. Means ऐसा नहीं होगा कि generally ऐसा है कि सभी जो organism है means two different species है closely related species, ये दोनों के बीच competition हो सकती है एक ही source के लिए, एंड वो जो सोर्स है वो लिमिटेड है. लेकिन ये कम्प्लीटली ट्रू नहीं है. फर्स्टली टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज कुड ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सिस. पहले तो ये बात होगी कि कोई एरिया में दो डिफरेंट स्पीसीज है तो वो दोनों स्पीसीज के बीच रिसोर्स के लिए कॉम्पिटिशन हो सकती है. फॉर इंस्टेंस इन सम सैलो साउथ अमेरिका लैक्स विजिटिंग फ्लैमिंगोस एंड रिसाइडेंट फिशिस कॉम्पिटेड फॉर देयर कॉमन फूड द जू प्लैंक्टन इन द लेक. तो यहाँ पे ऐसा ही हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि साउथ अमेरिका के लैक में विजिटिंग के लिए आने वाले फ्लैमिंगो मीन्स दूसरे एरिया में से फ्लैमिंगो आ रहे हैं ये साउथ अमेरिकन लैक्स में, तो ये फ्लैमिंगोस एंड वहाँ पे रहने वाले उसी लैक में रहने वाले जो फीसिस है ये दोनों के बीच कंपटीशन होगा एक ही सोर्स के लिए. जैसे कि जू प्लैंकटन के लिए लैक में जो जू प्लैंकटन है इसके लिए कंपटीशन होगा. मींस स्पीसीज डिफरेंट है फिर भी इन दोनों का रिसोर्सिस जो है वो सेम है, इसलिए डिफरेंट स्पीसीज से फिर भी कॉम्पिटिशन हो सकता है. सेकेंडरी रिसोर्सिस नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर कॉम्पिटिशन टू अकर्स. इन इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन द फीडिंग एफिशियंसी ऑफ वन स्पीसीज माइट बी रिड्यूस ड्यू टू द इंटरफेरिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीसीज इवन इफ रिसोर्सिस फूड एंड स्पेस आर एबुंडेंट. दूसरी बात यह है कि कंपटीशन में रिसोर्सिस जो है वो लिमिटेड होगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अगर इसमें मीन्स इंटरफेरेंस कंपटीशन में कोई एक स्पीसीज जो है उसकी फूड लेने की एफिशिएंसी जो है वो दूसरी स्पीसीज के इंटरफेरिंग या फिर इनहिबिटरी प्रेजेंस की वजह से वो डिक्रीज हो जाएगी. Therefore, competition is best defined as a process in which the fitness of one species measured in a term of its r, small r, the intrinsic rate of increase is significantly lower in the presence of another species. तो competition जो है वो एक ऐसी process है जिसमें उसकी definition ऐसे दी जाती है कि इसमें कोई एक species जो है वो involved होने से उसका जो ग्रोथ रेट है ग्रोथ रेट वो आर मीन्स इंट्रेंसिंग हो जाएगा, तभी दूसरी स्पीसीज की प्रेजेंस में वो डिक्रीज हो जाएंगे. इट इज रिलेटिवली इजी टू डीमोनेस्ट्रेट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एज अ गोस एंड गोस जो है वो साइंटिस्ट है एंड अदर एक्सपेरिमेंटल इकोलॉजिस्ट डिड. When resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species, but evidence for such competitive exclusion occurring in nature is not always conclusive. तो ये सभी एक्सपेरिमेंट का डेमोस्ट्रेशन जो है वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में इजीली किया जा सकता है. घोष एंड दूसरे जो इकोलॉजिस्ट है उन लोगों ने भी ये डेमोस्ट्रेशन किया था लेबोरेटरी में.
एंड इससे ये कंक्लूजन हुआ कि कोई एक जो स्पीसीज है, सॉरी कोई एक एरिया में टू डिफरेंट स्पीसीज है, वो दोनों के बीच रिसोर्सिस के लिए कंपटीशन हो रही है। तो ये कंपटीशन जब होता है तब ये दोनों स्पीसीज में से जो बेस्ट स्पीसीज होगी वो सर्वाइव करेगी, रिप्रोड्यूस होंगी, एंड दूसरी जो स्पीसीज है जो वीक होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। बट एविडेंस फॉर सच कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन अकरिंग इन नेचर इज नॉट ऑलवेज कंक्लूसिव। स्ट्रॉन्ग एंड परसुएसिव सर्कमटेंशियल एविडेंस डज एग्जिस्ट, हाउएवर इन सम केसेस द एबिंगडन टर्टोइस इन गैलापागोस आइलैंड बिकेम एक्सटिंक्ट विथिन अ डिकेड आफ्टर गॉड्स वर इंट्रोड्यूस ऑन अ आइलैंड अपरेंटली ड्यू टू द ग्रेटर ब्राउजिंग एफिशिएंसी ऑफ द गॉड्स। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है, जैसे कि गैलापागोस आइलैंड जो है वहाँ पे, वो आइलैंड पे एबिंगडन टर्टल्स थे, लेकिन जब उस पे ऐसे गॉड्स लाए गई, ब्राउजिंग गॉड्स, तो वहाँ पे जो एबिंगडन टर्टल थे उसकी सभी स्पीसीज एग्जिट हो गई, क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव कौन कर गया, तो ब्राउजिंग गॉड्स जो है वो सर्वाइव कर गया। अनदर एविडेंस फॉर द अकरेंस ऑफ कॉम्पिटिशन इन नेचर कम्स फ्रॉम वॉट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव रिलीज। नेचर में जो कॉम्पिटिशन हो रहा है स्पीसीज के बीच, उसका दूसरा एविडेंस है कॉम्पिटिटिव रिलीज। अ स्पीसीज वोज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज इज फाउंड टू एक्सपेंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ड्रामेटिकली वैन द कॉम्पेक्टिंग स्पीसीज इज एक्सपेरिमेंटली रिमूव। कॉम्पिटिटिवली स्मॉलर जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, स्पीसीज है, उसके लिए रेस्ट्रिक्शन हो गया है, क्योंकि वहाँ पे ऐड हो गई है बेस्ट स्पीसीज। एंड कानेल इलेगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट ऑन द रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर एंड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस डोमिनेट द इंटरटीडियल एरियाज एंड एक्सक्लूड्स द स्मॉलर बार्नेकल चैथमेलस फ्रॉम द जोन दैट जोन। तो कानेल्स इलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट में ये शो ऑन किया गया है कि स्कॉटलैंड के जो रॉकी सी कोस्ट है वहाँ पे रहने वाले बार्नेकल स्पीसी से उसके बीच कंपटीशन हो रहा है, बार्नेकल्स लाइक बैलेनस उसके बीच कंपटीशन हो रहा है, एंड वो कंपटीशन की वजह से वहाँ पे रहने वाले स्मॉलर जो चैथमेलस है वो वहाँ से रिमूव हो गए हैं एंड दूसरे रीजन में चले गए हैं। इन जनरल हर्बिवोरस एंड प्लांट अपीयर टू बी अ मोर एडवांसली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोरस। गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल स्टेट्स that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely and the competitively inferior one will be eliminated eventually. तो यहाँ पे गोस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोस साइंटिस्ट है, उसका ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है। तो उसमें ये दिया हुआ है कि अगर एक ही टाइप्स के रिसोर्स के लिए जब टू स्पीसीज के बीच कॉम्पिटिशन होता है तब वो दोनों स्पीसीज जो है वो इनडेफिनेटली जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती है एंड को एग्जिट भी नहीं हो सकती है, मीन्स दोनों स्पीसीज भी ख़त्म नहीं हो सकती है। ये दोनों स्पीसीज जो है वो कॉम्पिटिशन में एंटर हो गए हैं, इन्फीरियर हो गए हैं, तो वो दोनों स्पीसीज में से जो स्पीसीज फिटनेस होगी
जो स्ट्रांग होगी वो सर्वाइव करेगी एंड दूसरी जो वीक होगी वो स्पीसीज एग्जिट हो जाएगी। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सिस आर लिमिटिंग बट नॉट अदरवाइज। अगर रिसोर्सिस लिमिटेड होगा तभी जाके ये प्रोसेस हो सकती है। मोर रिसेंट स्टडीज डू नॉट सपोर्ट सच ग्रोस जनरलाइजेशन अबाउट कॉम्पिटिशन वाइल दे डू नॉट रूल आउट दी अकरेंस ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर दे पॉइंट आउट दैट स्पीसीज फेसिंग कॉम्पिटिशन माइट इवॉल्व मैकेनिजम्स दैट प्रमोट को एग्जिस्टेंस रेदर दैन एक्सक्लूशन। वन सच मैकेनिज्म इज रिसोर्स पार्सिसिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका रिसोर्स क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो रिसोर्स पार्सिसिंग। इफ टू स्पीसीज कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स दे कुड अवॉइड कॉम्पिटिटिव बाय चूजिंग फॉर इंस्टेंस डिफरेंट टाइम फॉर फीडिंग और डिफरेंट फॉरेजिंग पैटर्न। और इसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, अगर दो स्पीसीज के बीच कॉम्पिटिशन हो रहा है एक ही रिसोर्स के लिए तो ये दोनों सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट कॉम्पिटिशन। कैसे, तो दोनों जो स्पीसीज है, ये दोनों स्पीसीज में सेम स्पीसीज है उसका रिसोर्स एक ही है, तो दोनों स्पीसीज क्या करेगी, तो उसका जो फीडिंग करने का टाइम जो है वो चेंज कर लेगी। ऐसा करने से कॉम्पिटिशन भी नहीं होगी एंड दोनों स्पीसीज जो है वो सर्वाइव भी कर सकती है। मैकआर्थर शोड दैट फाइव क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्ब्लर्स लिविंग ऑन द सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड को एग्जिट ड्यू टू बिहेवियरल डिफ्रेंसिएशन इन देयर फॉरेजिंग एक्टिविटीज। मीन्स यहाँ पे ये जो मैकआर्थर जो साइंटिस्ट है उसने भी ये ऐसा कुछ देखा है एंड उसने बोला है कि फाइव स्पीसीज जो है बर्ड की स्पीसीज वार्ब्लर्स बर्ड की स्पीसीज है वो एक ही ट्री पे रहते हैं, ये सभी स्पीसीज जो है उसका रिसोर्स जो है वो सेम है, फिर भी ये कॉम्पिटिशन अवॉइड करते हैं, ये स्पीसीज के बीच कॉम्पिटिशन नहीं होगा एंड वो को एग्जिस्ट भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये सभी स्पीसीज जो है वो सभी स्पीसीज का फीडिंग करने का टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे ये कॉम्पिटिशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ।